जनपद मैनपुरी में नौनिहाल छात्रों के बीच हुए मामूली विवाद दो पक्षों के लिए अखाड़ा बन गया। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल स्थित प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर का है, जहां स्कूल में सीट पर बस्ता रखने को लेकर छात्र छात्राओं के बीच मामूली विवाद ने तूल पकड़ा है। बच्चों की शिकायत पर स्कूल पहुंच दोनों पक्षों में जमकर संग्राम हुआ है। मारपीट से लेकर जूते चप्पल डंडे तक चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। स्कूल में बवाल के दौरान शिक्षक असहाय नजर आए। दोनों पक्षों ने तमाम परिजन मारपीट के दौरान घायल हुए। छात्र छात्राओं के साथ तहसील मुख्यालय पहुंचे पीड़ित परिजनों ने अधिकारियों को घटना से अवगत कराए हैं। प्राथमिक विद्यालय हरदासपुर की प्रधानाध्यापिका के अधिवक्ता पति आरिफ रिजवी एवं पीड़ित परिजनों के बीच मामले को लेकर नोकझोंक की स्थिति भी देखने को मिली है। बहरहाल मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ है। मारपीट की घटना को लेकर पीड़ित अभिभावकों बच्चों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। अच्छा, क्या घटना हो गई जो आप अस्पताल आई हैं? बच्चों को मारो स्कूल में सर, बच्चे ने किया कि मम्मी स्कूल में झगड़ा हो गया, फिर हम वहाँ पर गए बच्चों को लेने के लिए, तो जे खड़े थे यहाँ 10-15 वाले तैयार मारने के लिए, तो हम अपने बच्चों को बाहर निकाल के ले आ रहे थे, जिनने बच्चों को मारो हम भी हमऊ मारो। क्या पहचान थी उन लोगों को? हाँ, उन्हें पहचानते थे। कौन लोग थे? एक लड़की है और एक उसका भाई है, नाम नहीं जानते हैं सर। अच्छा, कहाँ की रहने वाली है? हरदासपुर। ये चोटें लगी हैं, क्या पूरा मामला है, क्या हुआ था? मैं यहाँ पे, मेरा भतीजा पढ़ता है, तो बच्चे बच्चों में झगड़ा हो गया, दूसरे गांव के बच्चे थे, वो अपने माँ बाप को बुला लाए, तो उसके माँ बाप उसको मार रहे थे हमारे भतीजे को, तो हमारे पास तो कोई सूचना भी नहीं थी, तो जब और स्कूल मेरे गाँव के और बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, वो हमारे घर पे गए, तो उन्होंने बोला बुआ आपके भतीजे को वो नगरा वाले ना मार रहे हैं, तो मैं यहाँ अकेले आई, मैंने सोचा बच्चों को मैटर है, तुम अकेली चली आई, तो यहाँ देखा कि वो लोग लात घूस से पीट पीट कर गए। एक भतीजा हमारा छोटा सा 8-10 साल का था, तो मैंने में पढ़ता वो 8-10 साल का 5 में पढ़ता है, तो हम आए तो मैंने बोला इसको क्या मारे, बात तो बताओ बात क्या हुई है, तो वो लोग उसे छोड़ गए, हमें भी लग गए, मेरे गाँव का एक लड़का आया उसने बचाया, पहले तो मारा तो ये लगाए पहले तो गली में मार रहे, तो मैंने हाथ लगा लिया, हाथ में लग गया, फिर मैंने क्या था उनके हाथ में? उनके हाथ में एक कील जैसा था, सरिया थी, पैड़ी थी, वो पता नहीं क्या था उसका, पाना जैसा, पाना तो हाँ, तो फिर मैंने हाथ पहले मारा तो मैंने हाथ में ले लिया, गर्दन तक नहीं पहुंचा, तो एक उनके साथ एक लेडीज थी, उसने मुझे ऐसे दबा लिया दीवार में, उसके साथ एक आदमी था, उसने वो पाने से ऐसे दबा लिया गर्दन मेरा, तो मेरे गांव का एक लड़का निकला, आवाज गई थी, तो उसी ने फिर बचाया। लीलावती, आप विद्यालय में क्या करती हैं? खाना बनाते हैं। अच्छा, कितने दिनों से खाना बनाने का काम कर रही हैं? खाना कम से कम 15-16 साल से बना रही। अच्छा, आज आपके यहाँ विवाद किस बात को लेकर हुआ इस विद्यालय में? मतलब आज बस बस वो हम आए, झाड़ू लगाया, हमारे गांव के बच्चे आए, उसने चटाई बिछा के अपने बस्ते रख दिए, सीताराम नगरा के बच्चे आए, उनके बस्ते उठा फेंक दिए, इसमें बच्चे मारकूट करने लगे, हमने ये समझी तो आप उसमें से करे, हमने हल्ला डट काट दो, बंद हो गई, फिर मैं खाना बना के खवा के घरे पहुँच पाए, इनमें मार कुटाई हुई, हमें कुछ पता नहीं। इतना आपके सामने वारदात हुई? इतनी हमारे सामने बात। अच्छा, फिर क्या सुना कि कितने कितने जो कहाँ के लोग आए थे? फिर बिटिया हमारी नातिन पढ़ा थे, वो गई मम्मी स्कूल पे जाओ, नगरा के आ गए, सब लोग मारपीट कर रहे, भोला की तब वहां तब मज के आया, तब इन मारपीट कर चुके थे, बच्चे पढ़ने गए हैं, हमारे बच्चों को डर के बंद करके मारो या करो बैठर भाई लिया आएंगे, तो अब बहु जब मेरे बच्चा कहो खाना माए और जिन्हें मैं फूल पड़ी हो और वो गई बच्चन को जब बचावे को तब जिन्हें मैं डर का 10 परिवार और करना किसने मारा है, नाम क्या है, क्या वारदात हुई थी यहाँ पे? वे रसोई आई, उनने जा रहा, हमने चटाई जाकर बैठ गए, वो लोग झूला डाकर फेंक दिया और मारने लगे। कौन लोग थे? अंशुल थे,
कपिल देव और दीपू हरिभू। ये क्या ये छात्र हैं? अच्छा, तुम्हारे साथ ही पढ़ते थे तो क्या तुम्हारा झोला उठा के फेंक दिया था? फिर क्या हुआ? वो लोग मारने लगे मुझको। फिर ये यहाँ पर आए, डंडे गए, फिर जो अपने गांव को बुला लाए थे तो काफी लोग आ गए थे।